वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ एक्वाटिक रिव्यू। तुम लोग सोच रहे हो मैं ये चश्मा क्यों पहन के रखा हूँ, एक्चुअली लाइट से मेरी आंखें छोटी छोटी हो जा रही हैं, तो छोटी बच्ची हो क्या? छोड़ो वो सब बातें, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। देखते हैं आज इस हफ्ते तुम लोगों ने क्या क्या भेजा है। ओके सो यहाँ पे मेरे को देख रही है बहुत सारी ज़ेब्रा डेनियोस, वॉटेल मॉलिस, ग्लोइंग टेट्रास, यहाँ पे हॉर्नवर्थ है ऊपर में, एंड ये शायद एक हीटर है। एक्चुअली ये एक सेमी प्लांटेड टैंक है। ऑलराइट, लुकिंग वेरी नाइस। पॉट में यहाँ पे मुझे शायद ये अमेज़न स्वॉर्ड है। ओके, नीचे में ग्रेवल्स, बेसिकली नॉर्मल ग्रेवल्स है, कोई प्लांटेड ग्रेवल्स तो नहीं लग रहा है। इफ अगर मेरे को इसको रेटिंग देना होगा आई विल से लाइक 5 out of 10। ओके सो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है बहुत सारे लकी बैम्बूज। यहाँ पे एक बीच में ड्रिफ्टवुड है जो कि आई थिंक सो DIY बनाया हुआ है बिकॉज वो स्ट्रेट है। ओके सो सबस्ट्रेट के नाम पे यहाँ पे बहुत सारे पत्थर है कलरफुल, एंड हाँ गोलियां भी है, किसी को गोलियां खेलनी है। ओके तो तुम्हें एक्चुअली प्लांटेड टैंक में घुसना है एंड तुम यहाँ पे लकी बैम्बू से स्टार्ट करो। नॉट बैड, बट एक्चुअली पानी के ऊपर आधा रखो बैम्बू को, लकी बैम्बू को, तो वो ज्यादा बेटर होगा। एक्चुअली मेरे को यहाँ पे लाइटिंग इतनी हाई नहीं लग रही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बैम्बूस को ऊपर में उगाना तो ज्यादा बेटर होगा। ऑल्दो अगर तुम्हारे अंदर में ग्रो हो रहा है तो वो बहुत ही बढ़िया बात है, एंड ऊपर में शायद हॉर्नवर्थ और मनी प्लांट्स वगैरह हैं। रेटिंग की बात करें इस टैंक की तो आई विल गिव लाइक 4.2 out of 10 बिकॉज ये अच्छा ट्राई है। आई एम स्टिल लर्निंग एक्वास्केप एंड इट्स माई फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेट अप अ प्लांटेड टैंक। आई हैव नॉट यूज CO2 इन its fourth week ऑफ टैंक। ऑलराइट सो ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे नियॉन टेट्रास है, गप्पीज है, और एक ब्लू हाफ मून बीटा फिश आई थिंक सो, अगर मैं करेक्ट हूं तो। यहाँ पे मेरे को बहुत ही अच्छे अच्छे प्लांट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे है कबोम्बा, नीचे में शायद लिट्विगिया है या फिर पॉलिस्पर्मा है, आई एम कंफ्यूज्ड। पीछे में ये अमेज़न स्वॉर्ड है। लीफ लीडर्स आर आल्सो लुकिंग वेरी गुड। सब्सट्रेट देख के भी मजा आ गया मेरे को। पीछे में शायद एक्वा सॉइल है जो कि बहुत ही बढ़िया है। इसको रेटिंग मेरे को देना होगा तो आई विल गिव लाइक 6.5 out of 10 बिकॉज बहुत ही बढ़िया अटेम्प्ट है ये, एंड तुम्हारी बेटा फिश बहुत ही मस्त लग रही है, मजा आ गया देख के। यहाँ पे कुछ गप्पी ग्रास, थैंक यू फॉर पोस्टिंग दिस वन टुडे, आई एम बाइंग माय फेवरेट प्लांट्स गप्पी ग्रास, हाउ इज इट? ऑलराइट, इसका बंच बनाओ उसके बाद डालो, ज्यादा मजा आएगा बिकॉज ये एक बुशी ग्रोथ देता है तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना मस्त एक्वेरियम मेरे को देखने को मिल जाएगा। अरे मजा आ गया देख के इसको। वो ये लाइटिंग आई थिंक सो मैंने देखा है, लेट मी गेस, ये शायद सनलाइट ना कुछ इसका नाम था। वैसे ये एक्वास्केप देख के मोर ऑफ अ नेचुरल लुक मेरे को देख रहा, मैं भी चाहता था ऐसा कुछ एक्वास्केप करो बट मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा फिलहाल तो, बिकॉज मेरे को ऐसे बड़े बड़े मस्त रॉक्स खरीदने का चांस नहीं मिला। बेसिकली यहाँ पे प्लांट्स की प्लेसमेंट मेरे को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगे। ड्रिफ्टवुड के ऊपर ये जो मॉस है वो बहुत ही ज्यादा मेरे को अट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे, जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया और नेचुरल लुक दे रहा है। मोर ऑफ अ ये कम्युनिटी टैंक है, मेरे को इसकी स्टॉकिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आई, एंड मेरे को जितना मेरे सब्सक्राइबर से एक्सपेक्टेशन था उससे ज्यादा मेरे को यहाँ पर दिख रहा है बिकॉज मैं खुद इस चीज में इतना एक्सपीरियंस ले रहा हूँ, एंड ये मेरे लेवल से थोड़ा सा बढ़ के है मेरे को जहां तक लग रहा है बिकॉज इसकी स्केपिंग देख के मेरे को मजा आ जा रहा है। और ये सामने वाला प्लांट आई थिंक सो जो मैं अभी रिसेंटली लेके आया हूँ वही वाला है, पीछे में जो वुड पे है वो आई थिंक सो जावा मॉस है, एंड थोड़ा सा एक्चुअली मेरे को सजेस्ट करना है, हालांकि वो चीज अभी मैटर नहीं करता है। एक्वास्केपिंग के टाइम तुम लोग ट्राई करना कि तुम लोग के फ्रंट ग्लास में ये जो सामने वाला पत्थर तुम्हें दिख रहा है अगर वो टच ना ही करे तो वो ज्यादा बेटर लगता है बिकॉज वहां पे एक स्पेस देता है जो कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगता है। ऑल्दो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया टैंक है, देख के मेरे को मजा आ गया, फिल्टरेशन भी इसका बहुत ही अच्छा है, स्टॉकिंग्स भी मेरे को देख के मजा आ गया। I will give it like 9 out of 10 because low tech planted tank में ऐसा scape करना बहुत लोगों के बस का नहीं होता है। First ever aquarium, it's a community tank, some tetras, two, कोरीज भी रखा तुमने, and my beta बाबूलाल, भाई नाम सुन के मजा आ गया, बाबूलाल तुम्हारा बहुत ही गजब है, मजा आ गया देख के। प्लीज गिव योर सजेशन एंड शेयर योर ओपिनियन ऑन माय टैंक, थैंक यू। यहाँ पे अगर ड्रिफ्टवुड की बात करें तो ये यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि तुमने ये DIY बनाया है, अगर तुमने स्टेप्स फॉलो किए तो बहुत ही बढ़िया, वरना यहाँ पे तुम्हें बहुत सारे फंगस देखने को मिलेंगे। एनीवेज पीछे में आई थिंक सो ये लिट्विगिया है, पीछे में कबोम्बा, ऊपर में वाटर लेटस, एक मस्त व्हेल टेल बीटा फिश,
एंड नियॉन टेट्रास बहुत ही बढ़िया। सो यहाँ पे मेरे को सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करना है, रादर देन दोनों रॉक्स एक ही साइज के लगाने के बजाय तुम लोग एक बड़ा एक छोटा लगा सकते हो, जहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा लुक देगा। यहाँ पे सेम सिमिलर है, दो ड्रिफ्टवुड ऐसे निकले हुए, ऑल्दो इट्स गुड बट इट कुड बी बेटर, बट आई कैन से इट अ डिसेंट टैंक फॉर योर बीटा फिश। बहुत लोग इस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं, बीटा फिश को बाउल में रखते हैं छोटे से, जो कि बहुत ही गलत बात है। So, I'm glad कि मेरे सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं, अपने बीटा फिश को सीरियसली लेते हैं। रेटिंग की बात करें तो इट विल बी लाइक 7.8 आउट ऑफ 10। ड्रिफ्टवुड और भी अच्छा हो सकता था शेप के मामले में, एंड ऑब्वियसली एक्वास्केपिंग तुम और भी बेटर कर सकते हो, कीप इट अप। ऑलराइट, सबस्ट्रेट देख के बहुत ही बढ़िया लग रहा है, यहाँ पे रॉक्स भी बहुत ही बढ़िया है, साइड में अमेज़न स्वॉर्ड, एंड वाओ तुमने सेम चीज किया जो मैंने अपने बड़े वाले टैंक के साथ किया था, वो डब्बे में एज अ अपने लाइट को लगाना, जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत ही बढ़िया। एंड आई थिंक सो ये 9 वॉट का लाइट होगा तो बहुत ही बढ़िया होगा, अगर उससे लो लाइट है तो प्लीज उसे चेंज कर देना, बिकॉज इतने ज्यादा प्लांट्स को लाइटिंग इनफ नहीं मिलेगा अगर तुम 9 वॉट से कम का रख रहे हो। ज्यादा रखे हो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है, एक साइड में स्केप करना है, ऐसे प्लांट्स बहुत ही नेचुरल लुक दे रहा है। साइड में तुम्हें कुछ डार्क पार्ट्स है जो वहां पे बाहर जा रही है, आई थिंक सो ये कलर ग्रेडिंग की वजह से वहां पे ज्यादा डार्क लग रहा है, अगर ऐसा है, बिकॉज ये लाइट अच्छा लग रहा है मेरे को यहाँ पे देख के। रेटिंग की बात करें तो इट्स लाइक 6.5 आउट ऑफ 10, बिकॉज तुम प्लांटेड टैंक बना रहे हो, आई लव प्लांटेड टैंक्स, एंड रादर देन यूजिंग आर्टिफिशियल डेकोर यहाँ पे तुम प्लांटेड टैंक यूज कर रहे हो, इसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। सो इस वाली एक्वाटिक रिव्यू के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्वाटिक सबमिशन, एक्वाटिक रिव्यू सबमिशन। जिम में जितना पसीना नहीं होता उतना हो रखा फिलहाल तो, यही होता है हर एक वीडियो शूट करने के बाद गर्मी में। बिहाइंड द सीन मेरे को ऐसे कुछ बनाना था नहीं, जो भी हो तुम लोगों से एक और चीज मेरे को डिस्कस करनी थी, बहुत ही जल्द आ रही है बहुत सारे वीडियोस, बट तुम्हें वेट करना पड़ेगा बिकॉज गर्मी बहुत ज्यादा हो रहा है, एक एक करके एक एक वीडियो आएगी, वेट करो। इस वीडियो को शेयर करो, यही मेरे को बताना था, जितने भी इस चैनल से लोग जुड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा बात है, उतनी ज्यादा मेरे को इनकरेजमेंट मिलेगी गर्मी में शूट करने का, वरना मैं गर्मी के चलते शूट नहीं करूंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत बात होगा। जो भी हो, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, बाय बाय।